नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूं आपके लिए कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सरकार मोबाइल फोन और अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक साझा चार्जर यानी कि कॉमन चार्जर अपनाने के विकल्प पर आज उद्योग जगत के हितधारकों के साथ बैठक करेगी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक दोपहर में निर्धारित की गई है और उसमें लैपटॉप तथा मोबाइल सहित पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माता शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योग निकाय CII और फिक्की तथा IIT दिल्ली और IIT BHU के प्रतिनिधि भी बैठक का हिस्सा बनेंगे। सचिव ने PTI भाषा से कहा, बैठक में संभावनाएं तलाशी जाएंगी। हम हितधारकों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में एक साझा चार्जर को कैसे अपनाया जा सकता है। हम उनकी चिंताओं को समझने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोप पहले ही इस मानदंड को अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। क्षेत्र विशेष के संगठनों के साथ बैठक में कई तरह के चार्जर के उपयोग को समाप्त करने की संभावना का आकलन किया जाएगा। दूरसंचार परिचालक भारतीय एयरटेल ने हाल ही में पूरी हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में हासिल किए गए स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए के भुगतान कर दिया है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एयरटेल ने यह राशि 4 साल की किस्त के अग्रिम भुगतान के रूप में दी है। एयरटेल ने कहा कि उसका मानना है कि इस अग्रिम भुगतान के साथ ही 4 साल के लिए AGR से संबंधित भुगतान करने से कंपनी भविष्य में 5G लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। दिग्गज दूरसंचार कारोबारी सुनील भारती मित्तल की भारतीय एयरटेल ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए 43,039.63 करोड़ रुपये की सफल बोली लगाई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम यानी कि RSIC उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित करने जा रहा है। इससे उदयपुर और आसपास के व्यापारियों को अब अगले कुछ महीने में माल के आयात और निर्यात के उद्देश्य से अहमदाबाद या जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार के उपक्रम RSIC ने इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। परियोजना के लिए जमीन चिन्हित भी कर ली गई है। निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि परिसर का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और अगले साल की शुरुआत में इसके चालू होने की संभावना भी है। उदयपुर हस्तशिल्प का एक बड़ा केंद्र है। इसके अलावा यहाँ से भवन पत्थर और खनिज उत्पादों का भी निर्यात किया जाता है। झीलों का शहर कहा जाने वाला उदयपुर राज्य में प्रमुख विवाह स्थल के रूप में भी उभर रहा है। यहाँ फल, सब्जियां, फूल और अन्य वस्तुएं जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है आयात की जाती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।